बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन सामईन, मैं हूँ सफ़िया बलोच और मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिंध वे से। आज मैं फिर वही सिलसिला लेकर आई हूँ जनरल नॉलेज का, और जनरल नॉलेज में आज हमारा टॉपिक है इस्लामी जनरल नॉलेज। मैं आपसे सवाल करूंगी, आप मुझे 10 सेकंड के अंदर जो है उसका जवाब दीजिएगा। अगर 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो 10 सेकंड के बाद मैं आपको खुद ही उसका जवाब बता दूंगी, लेकिन अगर आपको जवाब आता हो तो आप फौरन कमेंट में इसका जवाब लिख दीजिएगा। सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि सबसे पहले जुम्मा किसने कायम किया? सबसे पहले जुम्मा किसने कायम किया? उसका जवाब अगर आपको आता है तो आप मुझे 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे दीजिए, और अगर नहीं आता तो मैं आपको उसका जवाब बताती हूँ कि सबसे पहले जुम्मा हज़रत असद बिन जवारा ने कायम किया। सवाल नंबर 2, क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों के दरमियान किस चीज़ का फ़ैसला होगा? क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों के दरमियान किस चीज़ का फ़ैसला होगा? अगर इसका जवाब आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका आपको जवाब बताती हूँ। जवाब है खून का फ़ैसला होगा। सवाल नंबर 3 है, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? जवाब है शहद। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले मुफ्ती कौन हुए? इस्लाम में सबसे पहले मुफ्ती कौन हुए? अगर इसका जवाब आपको आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो मैं इसका जवाब आपको बताती हूँ। जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, सबसे पहले 20 रकात तरावी या जमात किसने राइज की? सबसे पहले 20 रकात तरावी या जमात किसने राइज की? जवाब है हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले राह खुदा में शामिल अपनी तलवार किसने निकाली? इस्लाम में सबसे पहले राह खुदा में शामिल अपनी तलवार किसने निकाली? जवाब है हज़रत ज़ुबैर बिन उवाम ने। सवाल है, मक्का की सरजमीन पर बुलंद आवाज़ से कुरान पाक किसने पढ़ा? मक्का की सरजमीन पर बुलंद आवाज़ से कुरान पाक किसने पढ़ा? जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले शायर कौन हुए? इस्लाम में सबसे पहले शायर कौन हुए? उसका जवाब है हज़रत हसान बिन साबित। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसको हुई? इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसको हुई? जवाब उम्मार बिन यासर की माँ सुमैया की। सवाल है, क्या आप जानते हैं सबसे पहले गेहूं की काश्त किसने की? क्या आप जानते हैं सबसे पहले गेहूं की काश्त किसने की? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, सबसे पहले सर के बाल किसने मंडवाए? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, सबसे पहले कलम से किसने लिखा? सबसे पहले कलम से किसने लिखा? जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, सबसे पहले चमड़े का जूता किसने बनाया? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, सबसे पहले खतना किसने करवाया? जवाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, सर ज़माने अरब में सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ़ लाए? जवाब है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। सवाल है कि सबसे पहले खुदा की राह में किसने जिहाद किया? जवाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले शफ़ात कौन करेंगे? जवाब
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, सबसे पहले किस नबी की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी? जवाब है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की जनरल नॉलेज के मुतालिक जो वीडियो थी, ज़रूर आपको पसंद आएगी। और ये मालूमात आप सब तक फैलाइएगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों को ये मालूमात होनी चाहिए, बच्चों को भी ये मालूमात दें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।